बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। इलेक्शन एक्ट 2017 का लेक्चर 13 है, जिसमें हम चैप्टर 10 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ऑफेंसेस पेनल्टीज और प्रोसीजर्स के बारे में, और सेक्शन होगा 181 से 199 तक। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इलेक्शन ऑफिसर टेस्ट के बारे के अंदर। और मजीद भी वीडियोस आएंगी इस इलेक्शन एक्ट 2017 के बाद भी, उसके अंदर भी हम जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो हमारे पास सेक्शन है दैट इज 181 सेक्शन, और ये पिछला लेक्चर ही कंटिन्यू है, पिछला चैप्टर ही कंटिन्यू है। तो 181 क्या कहता है जी? 181 ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरी जो कमेट होगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंट करेगी, चाहे वो लोकल में हो, मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई इलेक्शन लड़ने जा रही है तो, और यूनियन काउंसिलर में जो बंदा बैठा है वो भी पीटीआई का है, तो वो इलेक्शन कंपेन के दौरान, इलेक्शन प्रोग्राम की जो अनाउंसमेंट है उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट स्कीम की अनाउंसमेंट नहीं करेगा कि भाई मैं अब तुम्हें सड़कें पक्की करा के देता हूं या तुम्हें बिजली पानी वगैरह की सहूलियात देता हूं, तो इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट स्कीम जो है वो इलेक्शन प्रोग्राम में उसकी अनाउंसमेंट पर पाबंदी है। दूसरा जी, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग ड्यूरिंग सर्टन पीरियड, एक खास पीरियड होगा, वो पीरियड क्या होगा? जिस दिन इलेक्शन होना है उसकी रात 12 से पिछले 24 घंटे यानी 2 दिन पहले तक किसी भी हल्के हदूद के अंदर आप जो है किसी किस्म की पब्लिसिटी, किसी किस्म की पब्लिक मीटिंग या प्रमोशन जो है वो नहीं कर सकते। यानी कि जिस दिन वोट डलना है उससे पिछले 48 घंटे में आपको प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिक मीटिंग है, आप किसी किस्म की पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, जलसा जुलूस नहीं कर सकते। पेनल्टी फॉर इलीगल प्रैक्टिस, और अगर कोई इलीगल प्रैक्टिस करेगा तो उसको कितनी सजा होगी? तो 2 साल की सजा हो सकती है या 1,00,000 रुपए जुर्माना या दोनों, ठीक है जी। वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, अगर कोई ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर कोई बंदा पकड़ा जाता है कि वो जो है लापरवाही की या जानबूझकर उसने अपनी जो है ऑफिशियल ड्यूटी से जो है खिलाफ वर्जी की, वो किस बुनियाद पर होगा? या वो टेम्परिंग करेगा पेपर्स की, या किसी वोटर को असरअंदाज करेगा कि वो वोट किसी खास कैंडिडेट के हक में डाले, या अपने ड्यूटी के ऊपर जितने भी रूल्स और लॉज लगते हैं उसको सही से पूरा नहीं कर पाएगा। फेलियर और टू मेंटेन सीक्रेसी, अगर कोई बंदा सीक्रेसी को मेंटेन नहीं कर पाता, चाहे वो इलेक्शन ऑफिशियल हो, चाहे वो कैंडिडेट हो, या इलेक्शन एजेंट हो, या पोलिंग एजेंट हो, या वोटर खुद हो, या काउंटिंग वोट्स के दौरान भी अगर वो कोई ऐसे ऑफेंस में पाया जाता है जहां पर उसको लगे कि सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है वो मेंटेन नहीं रखी जा रही, तो उस बंदे को 6 महीने तक सजा हो सकती है और साथ 1,00,000 रुपए जुर्माना। अब किस बुनियाद या दोनों, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? मेंटेन सीक्रेसी, सीक्रेसी मेंटेन नहीं की, अपने वोट का राजदारी नहीं रखी, या कम्युनिकेट्स, या वो फोन, या उसने कम्युनिकेशन की अबाउट द कि भाई पोल क्लोज होने से पहले कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है मैंने ऑफिशियल मार्क लगाया है, मुहर लगाई है, या गिनती के दौरान, काउंटिंग के दौरान किसी खास बैलेट पेपर पे जो है उसने जो है वो कम्युनिकेट किया इंफॉर्मेशन के भाई फलां कैंडिडेट ने फलां चीज को, फलां बंदे को जो है वोट डाला है, इस तरह की चीजों को जो है वो अगर कोई नजर आ रही है तो ये सीक्रेसी के खिलाफ आता है। ऑफिशियल नॉट टू इन्फ्लुएंस वोटर, ऑफिशियल्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते किसी भी वोटर को, यानी जो ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो ड्यूटी पर हैं, वो कोई भी किस्म की ऑफिशियल ड्यूटी से गफलत या ब्रीच नहीं करेंगे, दगा नहीं करेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं? पोलिंग स्टेशन के ऊपर अगर कोई परसुएड करते हैं किसी दूसरे बंदे को, या डिसुएड करते हैं किसी बंदे को, किसी बंदे के ऊपर जोर डालते हैं कि वोट डालो, या किसी बंदे के ऊपर वोट डालते हैं कि वो वोट ना डाले या उससे वोट ले ले, या इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो वोटिंग अपने खास बंदे को डाले, या ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं जिससे असरअंदाज हो इलेक्शन के नतीज, तो ये सारा का सारा ऑफिशियल्स के ऊपर भी जुर्माना पड़ेगा। असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, अ पर्सन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज गिल्टी ऑफ वायलेशन
ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन इफ ही मिसयूजेस हिज ऑफिशियल पोजीशन इन अ मैनर कैलकुलेटेड टू इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। अगर कोई ऑफिशियल जो है गवर्नमेंट का सर्वेंट है वो अगर इस तरह का करता है तो उसको भी गिल्टी करार दिया जाएगा कि वो उसने इलेक्शन के नतीज को तब्दील करने की कोशिश की है। पेनल्टी फॉर ऑफिशियल ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान ऑफिशियल ड्यूटी वाला बंदा अगर गफलत करेगा तो उसको कितना जुर्माना होगा, मे एक्सटेंड टू 2 ईयर 2 साल तक का की सजा और 1,00,000 रुपया 100,000 रुपीज का जुर्माना या दोनों। मैंने आपको बताया था कि 1,00,000 की जुर्माना है, मैंने ये सारा सारा पढ़ा हुआ है तो इसमें आप ये जेन में रख लें, बाकी महीने का फर्क है वो अपने जेन में रखिएगा। इनरोलमेंट एज अ वोटर फॉर मोर देन वन, अगर एक बंदा परसोनेशन करता है या एक जगह से इनरोलमेंट एज अ वोटर फॉर मोर देन वन, अगर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आपने इलेक्टोरल रोल में पढ़ा था जो वोटर्स के इंदराज करते हैं कि कौन कौन से हलके में किस किस बंदे के वोट हैं, तो अगर वो बंदा कुछ गलती करता है या जानबूझ के करता है कि एक बंदे का नाम 2 या 3 जगह पे वो जो है वो पता लिख देता है, तो उस बुनियाद पे जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होगा उसको 6 माह की कैद, 1,00,000 रुपया जुर्माना या दोनों हो सकता है। Cognizance on trial, notwithstanding anything contained in any other law, but subject to section 1993, an offence under this chapter shall be tried by the session judge, and an aggrieved person may within 30 days of the passing of final order. अगर कोई बंदा किसको लगता है कि ये उसके खिलाफ हो रहा है, यानी कि उसके ऑफेंस में है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है अपील कर सकता है अगेंस्ट हाई कोर्ट और सेशन जज को, और सेशन जज अगर नहीं पूरा करता तो फिर वो आगे हाई कोर्ट तक भी जा सकता है। तो द प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ पर्सन फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन करप्ट और इलीगल पर्सन मे बी इंटीमेटेड ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय अ पर्सन और अ कमीशन, और ये इलीगल प्रैक्टिस या करप्शन की जो दफा है ये कब लगेगी या इसकी कार्रवाई कब सुनाई देगी, जब बंदा कोई बंदा या कमीशन जो है वो कंप्लेंट करे किसी और बंदे के खिलाफ कि भाई इस बंदे ने जो है वो ज्यादती की है, और अगर उसके खिलाफ सबूत सही आते हैं तो उसको इलीगल और करप्ट प्रैक्टिस पे सजा है 6 महीने की और जुर्माना है 50,000 रुपया या दोनों। द कमीशन मे डायरेक्ट दैट द समरी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जितनी भी आती हैं समरीज उस पे जो है ना कमीशन का पूरा हक है कि वो अपनी मर्जी से जो है अब इसके खिलाफ बात कर सके। ठीक है जी, तो यहाँ पर एक और बात लिखे कि सेशन जज से मुराद एडिशनल सेशन जज भी हैं, दोनों जज जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जी। तो नो 191 कहता है नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई भी कोर्ट जो है वो खुद से नहीं शुरू करेगा सुनवाई जब तक के कंप्लेंट कोई बंदा नहीं कर लेता रिटर्न में या कमीशन खुद नहीं कर लेता, और कमीशन अगर कहे कि फलां बंदे के खिलाफ इंक्वायरी करनी है तो तब जो है कोई जो कोर्ट ऑफ सेशंस है यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो जिले अदालतें होती हैं वो इसके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगी और उसको सजा देंगी जो उसने किया है। इसके बाद 192 में रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अगर है ट्राइबल में आता है उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट पावर है कमीशन को, जो ये आपके सामने दफात लिखी है वो इन दफात के तहत उसको सुना सकता है। कौन? कमीशन। ठीक है, कमीशन सुना सकता है। सर्टेन ऑफेंसेस ट्राइबल बाय अथोराइज्ड ऑफिसर, कुछ ऐसे हेड ऑफेंसेस ट्राइबल्स जो जो किसके हाथ में है वो ऑफिसर परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर है फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में ये अख्तियारात हैं के कमीशन के बिहाफ पे, कि उसको पावर ऑफ मजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास की, ये वो पावर है जिसके तहत वो किसी भी चीज किसी भी बंदे को सजा दे सकता है बिना वारंट के। तो इसमें परसोनेशन और कैप्चरिंग ऑफ पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ इसका ये जो है सजा दे सकता है, और इसकी ये कोड वगैरह ये लिखे हुए हैं कि ये कोड जो है ना ये उसकी है यार, वो क्रिमिनल कोड जो आपने पढ़ा था एक्ट उसका सन याद कर लीजिएगा किस सन में वो आया था। फिर जी पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर की पास ये पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, कब? जब कोई बंदा कमिट करे परसोनेशन यानी किसी और बंदे के नाम पे वोट डालने हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको पकड़ के
जो है वो पुलिस के हवाले कर सकता है और बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकता है व्हाइल बीइंग रिमूव फ्रॉम द पोलिंग स्टेशन बाय द या प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको रिमूव कर देता है पोलिंग स्टेशन के, भाई ये पोलिंग स्टेशन पे काम खराब कर रहा है। रिमूव एनी नोटिस साइन बैनर और फ्लैग, अगर कोई पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई फ्लैग या बैनर या साइन या कोई नोटिस किसी और बंदे का आया हुआ है तो उसको वो हटा सकता है। या सीज एनी इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटस या कोई ऐसा ऑपरेटस या चीज जो इस्तेमाल हो रही है गैर कानूनी तौर पर, जितने भी कानून पीछे बताए उसमें, तो उसको वो भी हटा सकता है पुलिस ऑफिसर। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन नॉट टू बी डाइवर्ज एनी पर्सन हु बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कमीशन पब्लिक इश्यूज और कम्युनिकेट टू एनी पर्सन। हाँ जी, अगर कोई बंदा एम्प्लॉय है कमीशन का यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर जॉब करता है और वो बिना अथोराइज्ड बताए दिखाए कमीशन को अपना कोई डाटा जो है वो लीक करता है, कोई इंफॉर्मेशन लीक करता है या सिक्योरिटी ब्रीच करता है या इलेक्टोरल रोल इंतखाबी फहरिस्तों में जो डाटा है वो किसी को देता है तो भी उसके खिलाफ जो है वो क्या चलेगी, क्या चलेगा, ये सारी चीजें वही लिखी, उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी और कार्रवाई में क्या होगा, 1 ईयर तक उसको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है और साथ 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों बोथ। ठीक है जी, ये इसकी सजा है। ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर पाकिस्तान पेनल कोड इफ एनी पर्सन, अगर कोई बंदा पाकिस्तान पेनल कोड के तहत उस बंदे को पनिश मिलेगी अगर बंदा कोई अटैक करता है पोलिंग स्टेशन पे या कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है किसी बंदे को या पब्लिक प्रॉपर्टी को या कोई वेपन्स वगैरह वहां पर एरियल फायरिंग हवाई फायरिंग करता है या डिस्टर्ब करता है प्रोसीडिंग को या हरास करता है किसी वोटर को कि वो वोट डाले बगैर चला जाए या बैलेट पेपर को खींचता है या बैलेट बॉक्स को खींचता है या किडनैप करता है या प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग स्टाफ को किडनैप करता है या किडनैप करने की कोशिश करता है। डज एनी अदर एक्ट एट द पोलिंग स्टेशन, उसको पाकिस्तान पैनल कोड 1860 के, ठीक है ये याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान पैनल कोड 1860 में आया था उसके तहत उसको डिस्ट्रिक्ट हेड जो है पुलिस का वो रजिस्ट्रेशन करके उसको जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और किसके कहने पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के कहने पे, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इतना ज्यादा इख्तियार आता है। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या करेगा, सेंड करेगा कॉपी किसको, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR सेंड करेगा किसको, कोर्ट को, और कोर्ट उसके ऊपर फिर जाके क्या करेगी, जो डिस्कशन करेगी और जो भी उसकी रिपोर्ट होगी फिर वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन यानी सूबाई इलेक्शन कमीशन को भेजेगी और मजीद तहकीकात अपनी बताएगी कि मैंने ये तहकीकात की है। कोर्ट टू रिपोर्ट कन्विक्शियस टू द कमीशन, अ कोर्ट कन्विक्टिंग एनी पर्सन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस चैप्टर अदर देन करप्ट प्रैक्टिस शैल सेंड अ रिपोर्ट टू कमीशन। हाँ, अगर इस कोई भी कोई बंदा पनिशमेंट आता है तो जो करप्ट प्रैक्टिस वाली है ना ये तो कमीशन खुद देखता है, बाकी जितने भी हैं ना वो सारे के सारे जो है वो कमीशन को रिपोर्ट भेजेंगे, कमीशन को रिकमेंडेशन देंगे और उस लिहाज से उस बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा उसकी पोस्ट से या उसके खिलाफ सजाएं लगाई जाएंगी और कमीशन जो है इस सारी रिपोर्ट को वेबसाइट पर नशर भी करेगा। इसके बाद ये पनिशमेंट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लाइबिलिटी, एनी पनिशमेंट इम्पोज और ऑन एनी पर्सन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू और नॉट टू डेरोगेशन ऑफ एनी लाइबिलिटी। जितनी भी ये बताई हैं ये सारी की सारी इस एक्ट के ऊपर ये सारी पनिशमेंट है, इसके अलावा जो पनिशमेंट आ रही है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगी। प्रोविजन ऑफ द कोड टू अप्लाई इन मैटर रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग इन्वेस्टिगेशन समन वारंट इंक्वायरी ट्रायल, जो भी कुछ भी हो रहा है वो सारा का सारा इस एक्ट के थ्रू होना चाहिए, इस एक्ट से बाहर नहीं कोई बात होनी चाहिए। तो ये था इलेक्शन एक्ट 2017 का चैप्टर 10 जिसके अंदर हमने ऑफेंसेस पेनल्टीज और प्रोसीजर्स को देखा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब यहाँ पर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया हुआ है वहां पर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। कंप्लीट लेक्चर्स के लिए यहाँ पर क्लिक करें, नेक्स्ट क्लास के लिए यहाँ पर क्लिक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।